हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो वी आर डूइंग फीचर इंजीनियरिंग और हमने काफ़ी सारी चीज़ें की। अब हम लोग अगले दो वीडियोस में थोड़ा कुछ अलग सा करने वाले। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ कैन वी हैंडल मिक्स्ड वेरिएबल्स। क्या होते हैं मिक्स्ड वेरिएबल्स, थोड़ी देर के बाद मैं डिस्कस करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू हैंडल डेट्स एंड टाइम वाले कॉलम्स। ठीक है, तो ये दोनों थोड़े अलग टाइप के टॉपिक्स हैं। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो एक ही टॉपिक के अंदर मल्टीपल चीजें पढ़नी थी, ये दो अलग से टॉपिक्स थे, तो इनको मैं साथ में कवर कर ले रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो या एज आई टोल्ड यू, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ कैन यू फीचर इंजीनियर मिक्स्ड डेटा। सो वॉट इज मिक्स्ड डेटा? सो मशीन लर्निंग में आपको जब भी रियल वर्ल्ड डेटा मिलता है, वहां पे कभी कभी आपकी किस्मत अगर खराब है तो आपको मिक्स्ड डेटा मिलता है। मिक्स्ड डेटा का मतलब क्या है कि आपके कॉलम में न्यूमेरिकल प्लस कैटेगोरिकल दोनों टाइप का डेटा है। ठीक है, और इस तरह का डेटा को हैंडल करना बहुत हेडेक का काम है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कितने तरीकों से आपको ये डेटा मिल सकता है। पहला तरीका ये है कि आपके पास एक सिंगल कॉलम है, जैसे कि मैं आपको टाइटैनिक वाले डेटा सेट का एग्जाम्पल देता हूँ। वहां पे केबिन बोल के एक कॉलम है। ठीक है, अब केबिन में इस तरह की वैल्यूज है, B5, C23, D41। अब यहां पर इफ यू कैन सी, ये कैटेगरीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज बन जाएंगी अगर आप इसको कैटेगोरिकल डेटा अज्यूम करोगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इन्फॉर्मेशन दो चीजों में छुपा हुआ है, बी और फाइव। इनफैक्ट अगर आप इंडियन रेलवेज में ट्रैवल किए होगे तो आपको पता होगा वहां पे भी बोगीज का नाम ऐसा ही रहता है। तो ये दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन साथ में है, राइट? फर्स्ट ये बी क्लास है और उसकी फिफ्थ बोगी या केबिन है। ठीक है, तो ये कैटेगोरिकल डेटा हो गया और ये अपना न्यूमेरिकल डेटा हो गया। ठीक है, तो फंडा बहुत सिंपल है। अगर आपको ऐसा डेटा कभी भी मिलता है तो आपको उसको स्प्लिट करना होता है इनटू टू डिफरेंट कॉलम्स, एक जिसमें आप कैटेगोरिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे बी सी डी, और दूसरा जहां पे आप न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन स्टोर करोगे 5, 23 एंड 41। तो ये तो हो गया पहला तरीका, पहला टाइप जब आपको मिक्स्ड वेरिएबल परेशान कर सकता है। एक और तरीके से मैंने देखा है, कभी कभी होता क्या है कि आपका एक सिंगल कॉलम है और उसमें वैल्यूज इस तरीके से, लाइक दिस। अब ये भी बहुत हेक्टिक है, मतलब इसमें कुछ वैल्यूज न्यूमेरिक हैं और कुछ वैल्यूज आपकी कैटेगोरिकल है। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए कि फिर से आपको दो कॉलम्स बनानी चाहिए, एक बनाना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए और एक बनाना चाहिए कैटेगोरिकल के लिए। ठीक है, और आप कैसे स्प्लिट करोगे, यहां पे आ जाएगा 731, यहां पे आ जाएगा NA NA NA। ठीक है, उसके बाद यहां पे आ जाएगा NA NA, बट इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे आ जाएगा A और C। ठीक है, उसके बाद फिर से न्यूमेरिकल वाले में लास्ट में मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां पे आ जाएगा 4, तो यहां पे आ जाएगा NA। कैटेगोरिकल में यहां पे आ जाएगा NA, तो यहां पे आ जाएगा D, ये वाला। ठीक है, सो बेसिकली फंडा बहुत सिंपल है कि जहां पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट है उसको न्यूमेरिकल कॉलम में डाल दो और कैटेगोरिकल में उसका कॉरेस्पॉन्डिंग NA डाल दो, ठीक है, मिसिंग वैल्यू, और इसका ठीक उल्टा कैटेगोरिकल के लिए कर दो। यही दो टेक्निक्स आपको मैं आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इससे बाहर आपको शायद चीजें नहीं मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो यू आर अनलकी, आपको खुद से समझना पड़ेगा डेटा को और अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। बट मोस्टली जितना मैंने देखा है यही दो तरीके से आपको मिसिंग डेटा, मिक्स्ड डेटा मिलता है, और यही दो टेक्निक्स हैं इनको हैंडल करने का। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली शो यू, मैंने खुद से एक डेटा क्रिएट कर लिया है टाइटैनिक वाले डेटा सेट में थोड़े चेंजेस करके, मैं उसके ऊपर आपको ये दोनों टेक्निक्स चला के दिखाता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। सो ये रहा हमारा नोटबुक। यहाँ पे नोटबुक में मैंने सारी लाइब्रेरीज इम्पोर्ट कर ली है और ये मैंने खुद से एक डेटा सेट बनाया है। एक्चुअली टाइटैनिक का थोड़ा डेटा उठाया, थोड़ा मैंने खुद से डेटा ऐड कर दिया एग्जांपल क्रिएट करने के लिए, और ये रहा मेरा डेटा गाइस। सो यहाँ पे चार कॉलम्स हैं, एक है केबिन, एक है टिकट, एक है नंबर और एक है सर्वाइव्ड, जो मेरा आउटपुट कॉलम है। सो केबिन अगर आप नोटिस करो तो ये वो कॉलम है जहाँ पे आपका न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल एक सिंगल सेल में मिल रहा है, और बिल्कुल वैसा ही है टिकट भी।
ठीक है। और ये जो नंबर कॉलम है, ये नंबर बेसिकली है कि वो पैसेंजर कितने लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा था। सो फर्स्ट पैसेंजर 5 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा था, सेकंड 3 लोगों के साथ, नेक्स्ट 6 लोगों के साथ, और जो लास्ट वाला ये बंदा है ये अकेला ट्रैवल कर रहा था। तो इस डेटा में क्या है, जिसने भी डेटा क्रिएट किया, इन दिस केस मैंने क्रिएट किया, उसने अलोन कर दिया, मतलब अलोन को अलग से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि अलोन उसको लगता है कि इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी, तो उसने उसको अलग से रिप्रेजेंट किया है। ऑल दो ये एग्जाम्पल मैंने जानबूझकर क्रिएट किया है, ऐसा शायद आपको ना मिले, बट अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। अब मैं पहले इस वाले डेटा के ऊपर आपको काम करके दिखाऊंगा, अलोन वाले डेटा के ऊपर, ठीक है। सो अगर मैंने सबसे पहले यूनिक लगाया, तो दीज आर द यूनिक वैल्यूज प्रेजेंट इन दिस कॉलम, ए 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक बार प्लॉट प्लॉट करके दिखा दिया कि हर कैटेगरी कितनी बार आया है। तो सबसे ज्यादा अलोन ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बाद 6 लोगों के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ एंड सो ऑन। ऑब्वियसली ये टॉय डेटा सेट है, ज्यादा मैटर नहीं करता यहाँ पे जो भी लॉजिक है। तो जब भी आपको इस तरह का डेटा मिले जहां पर एक सिंगल कॉलम में न्यूमेरिकल डेटा भी है और कैटेगोरिकल डेटा भी है, बट दोनों सिंगल सेल में नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक नया कॉलम बनाना चाहिए न्यूमेरिकल बोल के, ठीक है। और उसमें क्या करना चाहिए, आपको पीडी टू न्यूमेरिक फंक्शन को कॉल करके आपको अपना ओरिजिनल कॉलम पास कर देना चाहिए, एरर्स को कोर्स करना चाहिए और डाउनकास्ट कर दो इंटीजर पे, ठीक है। ये सिंपल सा कोड है, या बार बार यूज कर सकते हो। और अगर आप इस कोड को रन करोगे तो क्या होता है, मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। और उसके बाद आप एक सेकेंड कॉलम बना रहे हो नंबर कैटेगोरिकल बोल के, जहां पे आप ये लॉजिक लिख रहे हो एनपी डॉट वेयर, जहां भी न्यूमेरिकल वाला नल है, जहां भी न्यूमेरिकल वाला नल है उसको मैं नैन से रिप्लेस कर रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है। और अब अगर मैंने डीपी डी हैव डॉट हेड किया, तो यू कैन सी मेरा नंबर वाला कॉलम से यहाँ पे 2 नए कॉलम्स बन गए, जहां भी 5 है वो 5 यहाँ पे आ गया, एनएन यहाँ पे आ गया, 3 था तो 3 नंबर में आ गया, और यहाँ पे एनएन आ गया, और यहाँ पे ए था, तो यू कैन सी अब न्यूमेरिकल में नैन है और कैटेगोरिकल में ए है। एग्जैक्टली यही चीज हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कस किया था, ये जो हमने बनाया था, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके। अब जल्दी से देखते हैं कि अगर हमारे पास जो केबिन वाला कॉलम है और हमारे पास जो टिकट वाला कॉलम है, इन दोनों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम केबिन का बात करें, तो जब मैंने केबिन में यूनिक लगाया, तो यू कैन सी यहाँ पे इतने सारे यूनिक वैल्यूज है, तो ऑब्वियसली इतनी सारी कैटेगरीज के साथ आप काम नहीं कर सकते। और सिमिलरली मैंने जब टिकट के ऊपर यूनिक लगाया, तो यहाँ पे और भी ज्यादा कैटेगरीज है, बेसिकली और भी यूनिक वैल्यूज हैं टिकट के लिए, ठीक है। तो अब हमें इसको हैंडल करना है, तो पहले मैंने केबिन के ऊपर लॉजिक लगाया है। केबिन में मैंने क्या किया, एक नया कॉलम बनाया केबिन अंडरस्कोर नम बोल करके, और मैंने स्ट्रिंग डॉट एक्सट्रैक्ट किया, ये रेगुलर एक्सप्रेशन भेजा जो क्या करता है कि आपके डेटा का न्यूमेरिक पार्ट को कैप्चर करता है, ठीक है। सो जो भी आपके केबिन में न्यूमेरिक पार्ट होगा, लाइक C85 में 85, वो उठ करके केबिन नम वाले कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली मैंने केबिन डॉट कैट बनाया, जिसमें बस str का 0 कर रहा हूं, ठीक है। और इन दोनों को मैं जैसे ही चला रहा हूं, यू कैन सी मेरा काम हो गया। और यहां पर अगर आप देखो केबिन अंडरस्कोर नम में, जहां पे नल वैल्यूज है वहां तो कुछ भी नहीं हो सकता, वहां तो आप कुछ नहीं हो सकता। वन मोर थिंग गाइस, मैं एक चीज बोलना भूल गया आपको, यहां पे जब हमने ये दोनों कॉलम्स बना लिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप मिसिंग वैल्यूज को फिल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, जहां पे भी नैन है न्यूमेरिकल वाले में, उसको आप 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि 0 लोग ट्रैवल कर रहे थे बंदे के साथ। और जहां पे भी कैटेगोरिकल है, वहां पे एनएन के बदले आप नॉट या मिसिंग लिख सकते हो, कुछ भी आप एक वैल्यू वहां पे डाल सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं नीचे आऊं, तो ये मेरा क्रिएट हो गया, जैसे कि ये वैल्यू देखो C85, तो यहाँ पे केबिन कैटेगरी में सी में आ गया और 85 केबिन नंबर में आ गया। सिमिलरली C123 का अगर आप बात करो, तो सी आ गया केबिन कैटेगरी में और आपका केबिन नंबर है 123 आ गया। अब द गुड पार्ट इज कि ऐसा करने के बाद आपके पास प्रॉपर कैटेगरीज बचेंगी। तो अगर आप ये लिखो केबिन अंडरस्कोर कैट डॉट वैल्यू काउंट्स, और इसको अगर आप रन करो, तो यू वुड सी कि हमारे पास अब बस इतनी ही कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो कि पहले बहुत सारी कैटेगरीज थी। अगर मैं इसके ऊपर प्लॉट कर दूं, तो यू वुड सी, मुझे काइंड बार चाहिए, ये लाइन प्लॉट आ गया। सो यू कैन सी कि सबसे ज्यादा लोग
सी वाले केबिन में है, ठीक है, उसके बाद बी, फिर डी एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा ज्यादा आप प्रोसेस कर सकते हो इस पूरे इंफॉर्मेशन को, राइट। सेम काम हम लोग टिकट वाले के साथ भी करेंगे। टिकट वाले के ऊपर आपको ऑलमोस्ट सेम ही लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट है। आप चाहो तो ये कोड पकड़ के देख सकते हो। ऑनेस्टली यहाँ पे मैं कोड एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बिकॉज ये सब पैंडास के अंदर आता है, मुझे बस आपको लॉजिक दिखाना है। तो मैंने बस यहाँ पे वही सेम लॉजिक लगाया है, टू न्यूमेरिक वाला, और सेम जो ऊपर लॉजिक है वही सेम लॉजिक है यहाँ पे। आप एक बार कोड को डाउनलोड करके खुद से चला के समझने का ट्राई करोगे, आप बेटर समझ पाओगे। बस वही सेम लॉजिक जब मैंने लगाया, तो यहाँ भी लास्ट में अगर आप नोटिस करो तो दो नए कॉलम्स बन गए, टिकट नम एंड टिकट कैटेगरी, ठीक है। सो ये रहा मेरा टिकट। तो अब क्या हो रहा है, ये फर्स्ट वाला पार्ट कैटेगरी में चला गया, और ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये आपका आ गया न्यूमेरिकल वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। एंड दैट इज हाउ यू डू इट, ठीक है। मैं जल्दी से एक बार समराइज कर देता हूँ। दो तरीके से आपको मिक्स्ड डेटा मिलेगा। एक इस तरीके से मिलेगा कि आपके सिंगल सेल में नंबर और कैटेगरी साथ में होगा, तो उसको आपको ब्रेक करना है इंटू टू कॉलम्स, कैटेगरी को अलग, नंबर को अलग, ठीक है। और सेकेंड ऐसा होगा कि आपका सेम कॉलम में न्यूमेरिक और कैटेगरिकल दोनों डेटा होगा, बट साथ में नहीं होगा, एक दूसरे के नीचे होगा, ठीक है। तो उस केस में भी आपको दो में ब्रेक करना है, बट हमेशा किसी एक में एनए वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यही दो तरीके हैं, और यही दो तरीके से आपको मिक्स डेटा परेशान कर सकता है। बट अगर आपको ये कोड्स आ गए समझ में, और नहीं भी आए तो आप बस इसको अपने लाइब्रेरी में अपने पास रखो, कि कभी भी दिखता है आपको इस तरह का कुछ भी परेशानी तो आप ये वाला कोड तुरंत यूज कर सकते हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई छोटी सी बात। आज का वीडियो छोटा है और बहुत छोटी सी बात हमने डिस्कस की, और कल भी हम लोग डेट और टाइम के ऊपर थोड़ा छोटा सा ही काम करेंगे। बट या ये दोनों भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बिकॉज मैंने ट्रस्ट मी बहुत टाइम स्पेंड किया है इन दोनों चीजों से बच के निकलने का, और ये बहुत इरिटेटिंग होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल कि कैसे इस चीज को हैंडल करना है। सो या दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।